जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो हरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वज्रायान नमो लोय सबसाहुण। नमः समय सहाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावांतरचरे। समाधि का नाम लेते ही लोग डर जाते इसलिए सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर रहे हैं कि समाधि और मृत्यु दो अलग अलग चीजें हैं। समाधि अर्थात आनंद का सागर और मृत्यु माने दुख। अपोजिट है, समाधि जीवन है, समाधि आनंद है, आनंदमय है, आनंद का कारण है, समाधि का फल मोक्ष है। समाधि का फल मोक्ष है, लेकिन समाधि कौन भाई? हम उनके यहाँ समाधि के लिए गए, मर गए का? समझ गए? समाधि सुख है, सुखमय है, सुख स्वरूप है, सुख का कारण है, उसका फल तो मोक्ष है। इसलिए समाधि का निर्देशन हो रहा है, मृत्यु का नहीं हो रहा। अभी सेकंड पार्ट हम अलग से बताएंगे थोड़ा सा। समाधि का निश्चय और व्यवहार का स्वरूप आज से 20-22 साल पहले किए थे उसके प्रवचन, 40-42 प्रवचन उसमें है लगभग, और वे सब आपने सुने भी होंगे, नहीं सुने हो तो आप सुन लेना। मैंने शुरुआत में इसलिए कह दिया कि आप निश्चय व्यवहार का जो स्वरूप था वो अभी नहीं चलेगा, इस समय तो टोटली वर्कशॉप है, टोटली वर्कशॉप, और आज से ही प्रारंभ होगी वो वर्कशॉप। फिर से बताता हूँ, समाधि अर्थात जीवन, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, जरा समझें अपन। एक लेखक ने लिखा है बहुत अच्छा, मृत्यु उसे कहते हैं जहाँ तुम्हारा कुछ नहीं उसे जब्त कर लिया जाए, मजबूरी में जब्त कर लिया जाए। मृत्यु आप मेरे घर में आई हूँ समझ लो, आप किसी के घर गए और वहाँ की बहुत सारी सामग्री अच्छी लगी, उन्होंने आपको ठहराया, खाओ पियो बैठो रहो, और आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी, सो आपने उठा उठा के धर ली, ये कमरा हमारा, यहाँ भी आपका कमरा हो जो बाहर से आए, भैया हमारा कमरा है, ये हमारा पलंग है, ये हमारा भोजन है, ये सब यहाँ भी होगा, हमारा बिस्तर, हमारा गिलास,
और तुम ले जाने लगो तो क्या होगा, क्या होगा, सोच लो क्या होगा। अनादि काल से मृत्यु तो हुई लेकिन समाधि नहीं हुई। हर बार जिस देह में गए उसे अपना मान लिया, जिस घर में जन्मे वहीं अपना मान लिया, अपना मान करके खूब पढ़ाई करी, खूब कमाई करी, खूब इकट्ठा करा, खूब जोड़ा, पत्नी बच्चे मकान दुकान संपत्ति सोना चांदी, मैं करोड़पति, मैं अरबपति, मैं खरबपति, मरते समय ए चेकअप जो तुम्हारा है वो ले जाओ भाई, जो तुम लाए थे अपने घर से वो तो ले जाओ, कोई बात नहीं, जो तुम लाए थे वो ले जा सकते हो, यहाँ का कुछ नहीं ले जा सकते, इसका नाम है मृत्यु। आप कल्पना करो, आपकी बेइज्जती भी हुई, जेल भी जाना पड़ा और सारा सामान छुड़ा लिया, समझ रहे क्या कह रहे हैं, बेइज्जती भी हुई, जेल भी जाना पड़ा और सारा सामान छुड़ा लिया, इसका नाम है मृत्यु। इसमें दुख है, कष्ट है, जिसे हमने अपना माना था, पत्नी बच्चे मकान दुकान सोना चांदी पैसा, हमने काहे के लिए कमाया था, धर्म छोड़ा कमाने के लिए, रत्नत्रय छोड़े काहे के लिए, बाप बढ़ाना, मर गए भैया भैया लड़के हैं काहे के लिए, जाए जा दो बहुओं में झगड़ा, उनने हमारा सोना ले लिया, समझ लेना, ज्यादा नहीं कह रहा हूं। आखिरकार मरते समय मजबूरी में छोड़ना पड़ा, इसका नाम है मृत्यु। इसका फल है चार गति, इंसल्ट, फुटबॉल की तरह ठोकर खा रहे 84 लाख में। अब समाधि की चर्चा अब शुरू कर रहे, समाधि क्या है, हमने पहले ही जान लिया कि ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम फालतू कमाई नहीं रहे हम अपना मान ही नहीं है, ले हटो हटो माल में ले जा सकते नहीं, और अपना मानने की व्यवस्था नहीं है, रोए का है? इसका नाम है समाधि। हम तो चले हम तो चले कहाँ जा रहे कि मोक्ष है? तुम बड़े विचित्र हो, अपना पैसा छोड़ दो, अपना पैसा दान दे दो, वो अपना पैसा यहां से बांट दो, समझ गए हो आप तो समाधि का मतलब। समाधि मतलब जो छूटेगा उसे हमने पहले ही छोड़ा, हमें बड़ा आनंद है, इसका नाम समाधि। आप मेरे से टेक्निकल वर्ड नहीं सुनेंगे इस समय, ध्यान रखना, 8 दिन में टेक्निकल नहीं बोलूंगा, मुझे सब पता है लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल शुद्ध सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। तो ये समाधि क्या है, समाधि क्या है, सबसे पहले जो हमारा नहीं था उससे भेद विज्ञान किया, दृष्टि में अपना संभाल लिया, दूसरों का छोड़ दिया। आप ईमानदार हैं, आपको मना थोड़ी कर रहे, रहो ना कमरे में, खूब बोलो हमारा कमरा है, हमारा पलंग है, ये हमारा भोजन है, बोलो, मना नहीं कर रहे, करो बोलो, खाओ पियो, और जाते समय ईमानदार रहो, और रहते समय भी अंदर अंदर ईमानदार रहो, जी पलंग हम कह रहे हैं हमारा है लेकिन हमारा, जी पत्नी हमारी है हाँ, जी बच्चा हमारे है हाँ, समझ आए, जी बच्चा तुम कौन गांव के हो, हैं राज प्रतापपुर जो भी नाम, बच्चा बाहर का है, अब जी गोल्ड मेडल से पास हो जाए ना तो यहाँ के ट्रस्टी सुनील सरल बड़े खुश हो, ओ हमारी हॉस्टल को मोड़ा फर्स्ट पास भाव, अब जो तो चलोगे ले लाकर गोल्ड मेडल, अपन खुश हो रहे का, ये संस्था हमारी और संस्था में मोड़ा पड़े वालों हमारो, और इसके गोल्ड मेडल से हमारी तारीफ, हमारी संस्था की प्रशंसा, सुनील सरल को कहाँ मिलो जी बता दे, ये तो गोल्ड मेडल लेके चला गया, ये तो भूल भी गया कौन है सुनील सरल, इसे तो पता भी नहीं होगा। एक एग्जांपल दे रहे, नाम तो किसी का भी ले लिया हमने, किसी का भी नाम ले लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, जैसे इस बच्चे की घटना सुना रहा हूं ना, ऐसे सम्यक दृष्टि लोग घर में रहते हैं लेकिन अपना मानते नहीं। समाधि की शुरुआत होती है निज को निज पर को पर जान, बस। अब आज आपको ये मेहनत करनी है, होमवर्क,
क्योंकि सम्यक्त के बिना समाधि असंभव। अब जितने लोग बैठे हैं वर्कशॉप में, बिना आज इसी चीज पे मेहनत करनी है, सम्यक्त के बिना समाधि संभव नहीं। तो फिर सम्यक्त की तैयारी करो। आइए चर्चा शुरू करते हैं सम्यक्त की। सम्यक दर्शन अर्थात सच्चा सिद्धांत। सम्यक्त मतलब सच्चा, बहुत सिंपल भाषा है, सच्चा विश्वास। सम्यक्त में अब थोड़ी सीरियस होगी चर्चा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आंख तो कोई बंद करने में, मैंने होश में रहना थोड़े, बिल्कुल सरल दृष्टांत देकर के सम्यक दर्शन समझा रहा हूं, जिन्हें करना हो करना भी। सोना, दृष्टांत दे रहा हूं सोना, सभी लोग ध्यान से सुनना, सोना, एक किलो सोना, एक किलो सोना गोल्ड तुम्हें हम फ्री में देंगे, तो हंस के लोगे कि रो के? हंस के पक्का, ठीक। सामने जाओ, सामने बढ़िया, अच्छे बैठ जाओ, सामने ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ, हाँ अच्छे से उधर बैठ जाओ पीछे। सब लोग सुनना, सम्यक दर्शन बिल्कुल सरल भाषा में, एक किलो सोना आप हंस के ले लोगे, फ्री में दे रहे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि उसकी पर्याय खराब होगी, उसकी पर्याय खराब होगी, वो टूटा फूटा हार के रूप में होगा। एक किलो सोना अब हंस के लोगे कि रो के लोगे? टूटा फूटा पहन नहीं सकते, ध्यान रखना, पहन नहीं पाओगे वो, एक किलो टूटा हार, टूटा कर दो ना, गुड़िया घिसा हुआ कुंडल, टूटी हुई अंगूठी, बिछुड़ी पायल, जो कुछ सोने की, सब एक भी चीज पहनने लायक नहीं है और दर्शनीय भी नहीं है, देखने में अच्छी नहीं लग रही। उठो जल्दी उठो, समझ में आया? बोलो हंस के लोगे कि रो के लोगे? टूटो टाटो, चलो एक कदम आगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल भाषा में सम्यक दर्शन है। इस टूटा फूटा सोने को भी हम एक काम और करेंगे, इसमें सो जूता मार के देंगे, सोना में सो जूता मार के, ओ सोना में सो जूता मार के देंगे। अब तो नहीं लोगे हंस के हैं? अबे भी ले लोगे? एक और शर्त है भाई, इस सोना को हम 100 करोड़ गालियां देंगे पहले, और इसी के साथ तुम्हें भी देंगे गालियां, अब तो नहीं लोगे, नहीं लोगे, एक मिथ्या दृष्टि, कोई ना नहीं, बोलो कौन नहीं लेगा, बोलो। आप इतनी समता के धारी, आपको गालियां दी जा रही हैं और आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? हम सोना में ऐसे ऐसे कर रहे हैं, गटर में डाल के दें तो अब तो नहीं लोगे? जी नहीं लेंगे, तुम भी नहीं लोगे, है ना? ले लोगे काहे? क्यों? देखो ये है सम्यक दर्शन, आत्मा तो बस हो गया। हम कितना भी कुछ कर दें, एक किलो सोना फ्री में दे रहे हैं, बस शर्त इतनी है, लेकिन उसकी पर्याय टूटी फूटी है, निंद है, बुराई है, अच्छी नहीं दिख रही, कूट पीट के दे रहे, गालियां दे के दे रहे, मार पीट के दे रहे। अब हम एक कदम और आगे जा रहे, हम एक किलो सोना फ्री में देंगे, लेकिन हम तुम्हारे कपड़े फाड़ेंगे फिर देंगे, अब तो नहीं लोगे? बोलो, कपड़ा फाड़ देंगे जो उठा के शर्ट, बोलो ले लोगे? इतने भीतर आ गई, कपड़ा फट जाए तो भी तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? आहा, नग्न दिगंबर होने पर भी कोई लज्जा नहीं, आनंद अपरंपार, तुम्हें क्या दिख रहा है बताओ? कपड़ा फाड़ने पर भी, चांटा मारने पर भी, सोना में पीटने पर भी, कूटने पर भी, गटर में पटकने पर भी, तुम इतने हंस के क्यों ले रहे जी बता दो बस। अब जिस पर तुम्हारी दृष्टि है इसका नाम है ध्रुव दृष्टि, इसका नाम है ध्रुव दृष्टि। क्या नाम है इसका?
ध्रुव दृष्टि ऐसे यहाँ आत्मा के साथ है। सम्यक दर्शन में उस आत्मा को जानो जो अप्रभावी है, जो पर्यायों से अप्रभावी है। परद्रव्य से अप्रभावी नहीं कह रहे हैं हम, सब पकड़ना जरा गंभीर बात। परद्रव्य से तो अप्रभावी ही है ही, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये तो सरल है, हालांकि लोगों को तो ये भी कठिन पड़ती है, लेकिन अभी तो सम्यक दर्शन का प्रकरण है। हम कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, ये तो सरल है, कठिन यहाँ पड़ता है निर्मल जी, कि अपनी पर्याय से अप्रभावी, मेरी पर्याय में मोह अनादि का, मैं निगोश से आया, पहली ढाल इतना कोटा पिटा, पहली ढाल पड़ी है, तिल तिल करे ही, वो इतना अप्रभावी, इतना मोह, इतना राग, इतना द्वेष, इतना क्लेश। और पंडित जी एक और सुनो, अनवांटेड थॉट्स, बहुत गंदे गंदे, बता नहीं सकत, बता नहीं सकते। अरे ऐसी पर्याय से भी अप्रभावी, बस इस अप्रभावी की दृष्टि रखना ही सम्यक दर्शन है। पूरे समय सार जी का सार इतना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो, इस एक किलो का दृष्टांत ध्यान रखो और ऐसे ही अपनी ही पर्यायों से अप्रभावी। अब इसी को एक कदम आगे बढ़ के चल रहे हैं, अभी तक हमने खोटी पर्यायों से अप्रभावी कहा, अब हम निर्मल पर्यायों से भी अप्रभावी बता रहे। बोलो भैया, एक किलो सोना कितने रुपए का होगा लगभग? लगभग पंकज 65 लाख का, लाख का, हजार, अच्छा लाख, 65 लाख का, कोई बात, 65 लाख का सोना हम तुम्हें 66 लाख में दें तो लोगे कि नहीं लोगे? 65 लाख का सोना 66 लाख में दे रहे, एक शर्त हम बता दे रहे, एक शर्त कि वो हम तुम्हें हीरे माणिक मोतियों की थाली में रख के देंगे। हीरा माणिक मोतियों की थाली में 64 चवर ढुराते हुए, 10 लाख का बैंड बाजा बजाते हुए, सोचो जरा सोचो, 10 लाख का बैंड बाजा, 64 चवर, हाई हीरे माणिक मोतियों की थाली, और इंद्र आके नृत्य कर रहे होंगे। बोलो इतना शानदार सोना पंकज 65 लाख में ले लोगे? 66 में कहे, ये कई लाख को तो अंतर है, 10 लाख के तो हम बाजी बजा रहे, इंद्र जैसे नृत्य कर रहे, सोचो तो जरा सोचो, इंद्र नहीं लोगे? सोचो सोचो क्यों, कि पंडित जी इंद्र तो चले जाए और 64 चवर भार रह जाए, और तुम्हारी हीरे माणी मोती थाली तुम ले जाओ, हमें तो 1 किलो सोना ही मिलना। ध्रुव, हम तो ठगा गए, ये तुम्हारे सब देख दाख के बैंड बाजी, हम तो ठगा गए, बुरा के काम, 1 लाख को घाटा खाएं। आहा, वो 1 किलो सोना दी बेस्ट, सुंदर डिजाइन है उसकी, देखने में अट्रैक्टिव है, दुनिया के बेस्ट कीमती डिजाइन वाला वो गहने है, तो अभी आप 65 लाख के गहने 66 लाख में नहीं लोगे, इसका मतलब है ये ध्रुव भगवान आत्मा अपनी निर्मल पर्यायों से भी अप्रभावी है। बस आज से मेरे को निर्मल पर्याय भी नहीं चाहिए और खोटी पर्याय की चिंता नहीं है, इसकी साधना का नाम सम्यक्त साधना है। बहुत जल्दी बोल गए, अब इस पे आज आपको दिन भर मेहनत करनी है, आप करिए होमवर्क, होमवर्क करना पड़ेगा आपको आज, आज दिन भर तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल यही होमवर्क। 4-4 लोग बैठो, बाहर से आए हुए 4-4 लोग बैठो, 5 बैठो, आप में विद्वान है सारे, खुद से करो मेहनत, फिर एक दूसरे से चेक कराओ, निर्मल जी जरा हमारी फाइल देखो जी, हमने गलत तो नहीं सोची, कहीं स्वच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे, फला तो नहीं हो जाएगा। सच कहता हूँ, जितना प्रवचन मैंने इतनी देर में किया है सम्यक दर्शन के लिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, नहीं है।
14 नंबर की गाथा का आगे पूरा का पूरा सार है। छठी गाथा कह दो, 144 कह दो, तुम जो जो कहना सब कह दीजिए, इतने में आ गया। बिल्कुल मेहनत करना, बस ईमानदारी से मेहनत करोगे। मैं सच कहता हूँ, आहा मुझे निर्मल पर्यायों की भी वांछा नहीं रही, निकांचित हो गया। जैसे बच्चा कह रहा था 1 किलो सोना ले लेंगे, हंस के निशंक हो गया बच्चा, निशंक हो गया। इसलिए कांचा नहीं है, नहीं गटर को सोना नहीं लेंगे और थाली में रख के दोगे तो लेंगे, निकांचित हो गया। गटर में पड़ा हुआ भी निर्विचिकित स्वभाव से लेने तैयार है, मूड नहीं हो रहा गटर को सोना हम नहीं लें, मूड नहीं हो रहा। सोचो तो जरा, आठों अंग आ गए, देखो इतनी देर में ध्रुव ध्रुव दृष्टि में आठों अंग आ गए। ठीक है, चलूं आगे, चलूं इस प्रवचन को आगे बढ़ाऊं, आकुलता तो नहीं होगी, 1 घंटा करूं या आधे घंटा ले लूं, बोलो जल्दी से, लेट हो जाएंगे, 10:45 बज जाएगी यदि पूरा करेंगे तो। चलो कोई बात नहीं, 10:30 तक ले लेते हैं। ठीक है, मेहनत तुम्हें करना है, मैंने तो बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया, जीवन भर का जो निचोड़ था एक दृष्टांत में सब कह दिया, बस अब आगे आ जाओ। पिछले दिनों इस पर प्रवचन हुआ है, संन्यास भावना जब से जब मैं आया हूँ यहाँ तब से शुरू हुआ है, उसके बहुत अच्छे प्रवचन हुए हैं। अभी आप चाहें तो उनका सहारा ले लेना, मैं केवल अभी आपको जल्दी जल्दी सहारा करूँगा। होमवर्क एक तो सम्यक दशा में करना है, मैं ध्रुव हूँ और यह पर्याय है। इन पर्यायों में सबसे खतरनाक पर्यायों के नाम बता रहा हूँ, बस इनसे आप प्रभावी देख लिया तो सम्यक दर्शन पक्की गारंटेड है आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि द्रव कर्म से भिन्न देखो, नौ कर्म से भिन्न देखो, भाव कर्म से भिन्न देखो, ये कोड वर्ड है, ये जिनवाणी के कोड वर्ड है। आपने भी पढ़े होंगे सबने, द्रव कर्म से न्यारा, भाव कर्म से न्यारा, नौ कर्म से न्यारा। मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ये ध्रुव रहा, ये पर्याय रही। इस पर्याय पर आप सबको एक भी ऐसा नहीं जो इससे अछूता है। इन पर्यायों पर यहाँ ज्ञान ही ज्ञान वर्तता है, ज्ञान ही ज्ञान वर्तता हमारी पर्यायों में, लेकिन इस ज्ञान में 4 गे बनते हैं और आप फौरन इससे प्रभावित मानते हैं और मिथ्या दृष्टि हो जाती है। फिर से यहाँ ध्रुव, यहाँ ज्ञान की निर्मल पर्याय, निर्मल तो नहीं कहूँगा, पर्याय, ज्ञान की पर्याय। इस पर्याय पर 4 इफेक्ट आते हैं, 4 इफेक्ट, 4 इफेक्ट आते हैं और उसी समय तुम डर जाते हो और इसको तो तुम कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि ये तो 3 काल की पर्याय खचित है, 3 काल की पर्याय खचित है, इनमें तो तुम हेर फेर कर नहीं पाते। तो आखिरी में इनमें जब बस नहीं चलता ज्ञान का, तो ज्ञाय की हत्या करता है, ध्रुव की हत्या करता है। कैसे कर देता है, कहा करे इतनी सामाई कर रहे, परिणाम लगता ही तो नहीं है, यानी कहाँ किया जात, खावे के पीवे के मर जाए, कहा करें अपन, अब ही है, कहा करें अपन, नहीं कर पे सम्यक दर्शन। गोली कौन मारी, गोली कौन को मारी, आपके सबके हाथ होंगे इसमें यदि मैं उठवाऊंगा तो। जब भी आप सामायिक करने बैठते हो या सम्यक दर्शन करने बैठते हो या वेद विज्ञान करने बैठते हो, नाम कुछ भी रख दो, वेद विज्ञान कह दो, मेडिटेशन कह दो, सम्यक दर्शन कह दो, अनुभव कह दो, सामायिक कह दो, आलोचना कह दो, समझो कहना कह दो, माला फेर वो कह दो, तुम सबका एक उपद्रवी प्रश्न है, उपद्रवी, पंडित जी जा बताओ जब बैठे थे तभी कहा याद बैठे कभी माला फेरी तो अच्छे भाव आते, खराब आते, भगवान ही मालिक है पंडित जी। क्यों, गैस के ऊपर कड़ी रख के या दूध रख के माला फेर सकत, चलो कड़ी मड़ी जान दी, सांस और बहु में चैचे पैपे भाई 2 मिनट पहले, मैं 10 बार टोक चुकी बेटा ऐसे नहीं धरू करो, और बे सन्ना रही बे नहीं रख रही, मैं वैसे ही रख रही, अब तुम सामाई करो बैठो, मैं ध्रुव हूं बहू से न्यारी, हाओ चूल्हे में जाओ, यानी कैसी आ गई हमारे घर में प्राण खावे, कौन की माला फिर रही है, हम तो मर जा रहे, प्रेम से समझा रहे बेटे बेटा 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 चूल्हे में गई बेटा, इतनी बार कह दी लेकिन प्रेम से बनते ही नहीं है, हमको अपनी छाती पे बांध के ले जाए, सब इन्हें के ला जाए तो दे जाए, फिर भी नहीं सुना, 2 बेला पानी नहीं पी सका,
गलत कह रहा हूँ तो बोल को बता देना कोई की रिकॉर्डिंग। ये भगवान, ये दो मैंने बता दिया आपको, अब मैं फिर वापस आ रहा हूँ। यह पर्याय है, इस पर्यायों पर चार जबरदस्त इफेक्ट हैं, और इस नदी को जो पार कर जाए वो पल्ले पार सम्यक दृष्टि। ठीक है, कहानी कठिन तो नहीं लग रही किसी को, अब वापस आ जाओ। चार हैं, उनके नाम हैं। कमाल की बात यह है कि ये चार जो इफेक्ट हैं, आचार्य देव ने इनको ईसत कसाय कहा। आचार्य देव ने इनको ईसत कसाय कहा है, जिनका नाम है संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इन संज्ञाओं से बंद नहीं होता, बंद नहीं होता, लेकिन इनके इफेक्ट में ध्रुव भूल जाने से अनंतानुबंधी का बंद होता है। क्या कमाल है, उसी समय अनंतानुबंधी क्रोध हो जाता है, अनंतानुबंधी मान हो जाता है। हम तो दो रोटी खाओ जी, तो छह खाओ वो जी दस चरत, कोई दस रोटी खाता हो क्या सो ठूस रहा। हमने हम तो दो रोटी खाओ तो मूंग की दाल से, अनंतानुबंधी मान है भाई साहब। ओ क्रोध था वो अनंतानुबंधी, फिर से समझ रहे। जो पर्याय है, इस पर्याय पर चार इफेक्ट हैं और वे ईसत हैं, उनसे बंद नहीं होता। समंतभद्र स्वामी को आहार की संज्ञा प्रबल थी, लेकिन हमने उनको अपूज्य नहीं कहा। उसकी पूर्ति करने के लिए कहाँ जाना पड़ा, सबको स्टोरी पता है, हमने अपूज्य नहीं कहा। एक दिगंबर मुनिराज जिनके निमित्त से रुद्र की उत्पत्ति हुई, मैथुन संज्ञा हावी हुई, हमने अपूज्य नहीं कहा। सोचो तो जरा, सोचो सोचो जरा। भय संज्ञा, मैं खूब स्टोरियां सुना सकता हूँ, इस समय स्टोरी का समय नहीं, नहीं तो मैं स्टोरी सुना देता आपको। भय संज्ञा कितनी भी प्रबल हो, साथ में नरक कर्नारकी को भय संज्ञा सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा भय संज्ञा साथ में नरक कर्नारकी को है, तो अभी सम्यक दृष्टि हो गया। अब कौन सी रह गई है, परिग्रह। परिग्रह चक्रवर्ती के पास इतना परिग्रह है, स्वामी अब नहीं रुकता। तुम्हारे पास तो एक फैक्ट्री दो हो जाए, ये काय खू लगे हम काय खू कर रहे, काय कमा रहे, दो फैक्ट्री हो गए, तीन और कर रहे, अब नहीं कर सका सम्यक दर्शन काय, क्योंकि तीन फैक्ट्री मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र। बस इतनी जल्दी, बड़ी जल्दी थक गए। अरे तू छह खंड कमा तो भी तेरा भगवान अप्रभावी है, 96,000 लिया मैथुन संज्ञा में लिया, तू तो विकल्पों से डर रहा था, और हम कह रहे एक क्या कह रहे हो लिया, तुम तो विकल्पों से डर रहे थे। पर भाई साहब जी ये भाव का याद हम बहुत सोचत नहीं आए, 10-12 साल की उम्र से ऐसे परेशान करत, हम ऊपर से अच्छे दिखत अंदर से हम ही जानत। अब जो लोग बाहर से आए होंगे ना, उन्हें आज हमारे प्रवचन में अंतर दिख रहा होगा थोड़ा लैंग्वेज का। अब हम जिनके बीच में बैठे थे वहाँ बुंदेलखंडी चालू हो गई हमारी, गुजरात जाते तो गुजराती चालू हो जाती थोड़ी सी। क्या है बता। अब इसे इस मैथुन संज्ञा को छिपाने में हमने इसको पूरा मान लिया, ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है। आहा प्रभु तुझे 96,000 शादी करने का भी राग सताए नहीं, तब प्रबल निडर होके देख के अप्रभावी भगवान हूं, अप्रभावी। आहार संज्ञा इन्हें सम्यक दर्शन, हमने अपनी आंखों से देखो, इतनी बड़ी पंडितानी जी, इतने बड़े पंडित जी, प्रवचन में तो केत में अरस अरूपी हूं और चेतन रस का आहार करता हूं, आना आहारी हूं, भगवान आत्मा पर को छूता ही नहीं, और बाद ना जी पार्टी में गए थे 5 रसगुल्ला ठूसे थे, हमने देखी अपनी आंखों से। हम तो कह रहे पंडित जी ने यदि 5 रसगुल्ला आहार संज्ञा से बिन देख लिया होगा तो उनका तो काम हो गया, लेकिन तुझे जिंदगी भर नहीं होगा। किसका लॉस करा तुमने, किसका लॉस किया तेने,
अब तो समझ में आ गया वो चार संज्ञा, फिर से बोलो नाम, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। मैं चाहूं तो इस पे आपको 2500 घंटे प्रवचन कर सकता हूं चार संज्ञा पे। त्यागी व्रति भी ध्यान रखना, त्यागी व्रति भी परिग्रह संज्ञा से दुखी है, लेकिन ऊपर से कहता हमें कच्चू नहीं, दो जोड़ी कपड़ा है हमारे और सबको सोने को पहन बढ़ जाए, एक त्यागी को ना मिले, हमें पूछो तक नहीं, तो तुम क्या करते, लिखते का नहीं, लिखते नहीं, लेकिन 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 देते तो सही कम से कम, क्या करोगे तुम, क्या करोगे, एक किलो सोने एक पेन का क्या करोगे सोने का, अरे सोना का तो छोड़ दे, चांदी की चिक्का बटन, जैसे कभी तुमने देखे परिग्रह संज्ञा, बताऊं परिग्रह संज्ञा, शादी विवाह में महिलाएं जाती हैं और जो नहीं खाती रात को बलगुआ में, रात को नहीं खाती, प्लेट तो मिलती है, मिलती है नहीं मिलती, तो फिर फौरन भेद विज्ञान चले, लें के नहीं लें, फिर जब लगत कि ले लू और फिर देखो कि एक ने ले ली, तो अपन ने भी एक ले ली और एक रुमाल में बांध के डाल ली, खाए हम नहीं खाए तो कहा भाई है तो सही। अब ऐसी संज्ञा से बचने कितना कठिन होता है, अभी एक रुपए की कापी भी बट रही होगी ना, तो एक आदमी ले लेगा, भले चाहे दो लाइन लिखेगा, फिर कभी ना लिखे, फिर ये भले छोड़ के चले जाए लापरवाही से, एक रुपए का पेन भी बट रहा हो तो ले लेगा, फिर भले घर में पढ़ो डरो फिरत रहे। युवल जी बाबू जी कहते थे अनैतिकता है, अनैतिकता है, और अनैतिक व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होता। ये परिग्रह संज्ञा कहाँ कहाँ पीछा करती है, ध्यान रखना, संज्ञा है इसे स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है, मैं संज्ञा से अप्रभावी हूं ये स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है, मैं संज्ञा को घटा बढ़ा नहीं सकता, मैं जानता हूं मुझे भी है तुम्हें भी है, आप साधु बन जाओगे तो भी है, बताओगे, हम चार संज्ञा से साधु को बड़ा मानते हैं, एक आचार्य एक मुनिराज के नाम से उनकी उपस्थिति मात्र से करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाए, और दूसरे मुनिराज या आचार्य के उपस्थित होने पर एक पैसा इकट्ठा नहीं हुए, बोलो सारे समाज में किसको किसकी महिमा आएगी, भैया एक बच्चे को संभालो, ऐसे छोड़ दोगे तो फिर बहुत ही बढ़िया काम है, ऐसे नहीं, अब तुम सभी डिस्टर्ब करने लगे, चुपचाप जाके करो, यहां सभी डिस्टर्ब कर रहे तुम, सही बताना कौन बड़े दिखेंगे तुम, अरे भैया अरे भैया अरे भैया अरे भैया जी, अरे जी तो सूखे सट, ये मैं सबकी बात कह रहा हूं, आप सम्यक शिखर जी में भी देख लो, दुनिया में जाके देख जाओ, मुझे इस बात की चिंता है, मैं बहुत प्रभावशाली हूं, मुझे पूरे हिंदुस्तान में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं ब्रह्मचारी और बहुत बहनें ऐसी हैं जो कभी प्रवचन नहीं करेंगी, समाज उनकी चिंता कभी नहीं करेगा, उनके आने पर खुश तक नहीं होगा, ए कुआ को पानी, यहां से और देखेंगे कुआ को पानी, अब इनके लिए अलग बनाओ, कहाँ आ गए, हो सकता है ऐसा देखें, और इसीलिए अमाइन की रचना हुई कि जिन्हें कहीं भी आत्मकल्याण में बाधा हो सो अमाइन आ जाओ, पंडित साहब की इस सोच थी। आज भी मैं देखता हूँ समय शिखर जी जैसी जगह या गिरनार जी या कहीं भी कोई ब्रह्मचारी त्यागी व्रति को निशुल्क आजीवन रहने की व्यवस्था नहीं है, साधकों को भी नहीं है, आप 500 रुपये रोज दो रह जाओ, 1000 रुपये रोज दो रह जाओ, जाओ त्यागी व्रतियों की हालत तक ये है, और बाकी तो मैंने बता ही दिया, जो बड़े इकट्ठा करा देते हैं उनकी बहुत आवभगत दिखेगी आपको, बच्चे यही तो सीखेंगे फिर कि चार संज्ञाओं की कीमत है, और इसीलिए कोई ब्रह्मचर्य लेता तो माता पिता कहते बेटा सुमत से होड़ मत करा, तुम प्रवचन नहीं कर पाओगे, तुम्हें कोई समाज नहीं पूछेगी, तुम कहाँ रहोगे, भोजन बीमारी वृद्धावस्था समाधि क्या होगा, सच बता देना ईमानदारी से, हर माता पिता डरते बेटा ब्रह्मचर्य मत लो,
बस इस चीज को रोकने के लिए ही ये कदम हमने आगे बढ़ाया है कि नहीं बेटे, तुम जिंदगी में एक भी प्रवचन मत करना, एक दिन भी कमाने मत जाना। केवल एक शर्त हमारी तुम्हारे साथ है, शर्त कि तुम्हारी चार संज्ञा हो, हमें उससे शिकायत नहीं है। तुम चार संज्ञा के काल में भी अप्रभावी ध्रुव अनुभव करना, बाकी हम तुम्हारे रक्षक हैं, हम तुम्हारे पेरेंट हैं, हम तुम्हारे लिए समय शिखा जी में बनाने तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अमायन में आओ तो अमायन में रखेंगे तुमको, बड़े प्रेम से, बिल्कुल भक्ति से रखेंगे। लेकिन तुम इसकी शिकायत दोगे तो हम तुम्हारे पुण्य को नहीं रोक पाएंगे, तुम्हारे पाप को नहीं रोक पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इसकी जिम्मेदारी लो, हम आपकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। देखो कितना निर्भय प्रवचन है। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना आप संज्ञाओं को रोको, क्यों नहीं, मैं कह रहा हूं रोकने के लिए, क्योंकि जिनवाणी में चार संज्ञाओं को रोकने का उपाय है अनंत अनुबंधी का अभाव। फिर से बोल रहा हूं, जल्दी बोल गया मैं, इन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं है। मरत रहो, रोटी कम खा लियो, तो मैथुन संज्ञा थोड़ी कंट्रोल हो जाए, फिर शरीर थोड़ा क्षीण हो जाए, सो आहार संज्ञा कम कर लो, फिर ऐसे कर लो, सो फिर भय नहीं रहेगा, फिर फला जी क्या है, ये अनादिकाल से गलती की है। भूल आपको तो भूल आपको मतलब नाम बोलो, ध्रुव, हाँ ध्रुव, किसको, ध्रुव को सीमा जी लिखा है, अब नहीं भूलेंगे फिर अब हंसा थे, अब नहीं भूलेंगे फिर, अब नहीं भूलेंगे, हाँ चलो। तो चार संज्ञा ये मेहनत आप कर लोगे, नाम तो बताने की जरूरत नहीं है। अब जितने डेप्थ में जाओगे तो चार चार लोग बैठ के समूह में चर्चा करो, पांच पांच लोग बैठ के समूह में चर्चा करो, बढ़िया करो, कोई दिक्कत नहीं। एक अपने अपना अनुभव शेयर करो, मेरे से पूछो तो फिर कह रहा हूँ चार संज्ञाएं मत रोको, इनसे भयभीत मत हो। अब मेरी चर्चा समझ लो बहुत कठिन तो नहीं, लेकिन आप पूरे 24 घंटा और 99% उपदेश शैली में ये कहा जाता है कि चार संज्ञाओं की निंदा की गई है, हम एक दूसरे को चार संज्ञा से बुरा मानते हैं, और कंट्रोल करने के उपदेश शैली है, और मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ करोड़ों में एक है ये, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, यहाँ है इसलिए कह रहा हूँ। मैंने बहुत अनुसंधान करने के बाद ये सीधी सीधी बात कही है। आप सब लोग देह से भिन्न कहना सरल समझते हो, गुण भेद से भिन्न कहना सरल समझते हो, और पर्याय से भिन्न कहना सरल समझते हो, नाम भी ले लोगे द्रव कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, और मैंने खोल के कहा है कि आप इनको फॉरगेट करते हो, और इसीलिए जैसे ही मौका आता है आप फेल हो जाते हो, जैसे ही परिचय दिखता है फेल हो जाते हो, मैथुन दिखता है फेल हो जाते हो, जरा सा भाई लगाओ फेल हो जाते हो, फेल हो जाते हो बिल्कुल। पंडित जी हम इतने साल से पढ़ रहे, सुन रहे डायलॉग सुनाओ, पंडित जी हम 50 साल से अभ्यास कर रहे, कछु सुधारा ही नहीं हो, कछु पढ़ा का ही नहीं पढ़ो, गलत कह रहा हूं बोलो, संज्ञाएं वहीं के वहीं। सुनो हम फिर से कह रहे, तुम्हें सुन लेना सभी लोग, समय तो हो गया मेरा 10:30 हो गई, बोलो भाई संडे का दिन है, कहो तो 15 मिनट और ले लूं, जल्दी बोलो, जिन्हें जाना हो तो नोवार का अवसर करके चले जाना, और तो क्या करें। शिविर का मतलब ही है कि अपन फ्री हैं आज, वास्तव में तो अपन असली कमाई कर रहे हो, उस कमाई में लेट हो जाना, इस कमाई में लेट नहीं हो। सुनो आगे, सम्यक दर्शन करने में ये जो चार संज्ञा हैं, चार संज्ञा ध्यान से सुनना सभी लोग, इनसे ईसत है, बंद नहीं होता, और कमाल की बात है कि मिथ्या दृष्टि को कम होती है जी, और सम्यक दृष्टि को ज्यादा होती है। अब जिन्हें समझ में आई होगी उन्हें तो करंट लगो, ये अब मैं फिर से कहता हूं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये पुण्य प्रकृति हैं,
है ना, करंट की चीज नहीं है। क्यों? ज्यादा खाना और पचा लेना पुण्य का उदय पाप का उदय। मिथ्याष्टि नहीं पचा पाता, चक्रवर्ती का भोजन का एक कौर, उसका सेनापति और पटरानी पचा पाती है, 96,000 रानियां भी नहीं पचा पाती। एक चावल को दाना खा लेना खीर में से निकाल के तो लोटा लेके भगत फिरे। क्यों? इतनी पाचन क्षमता मिथ्या दृष्टि की होती है, सम्यक दृष्टि की होती है। 96,000 रानियों को संभालना, और गजब बात है 96,000 रानियों को देखते तक नहीं है और संभली रहती सब। तुम्हें कहा याद हुई रिश्तेदारों के नाम पते? चक्रवर्ती को करोड़ों नाम पते मालूम है। सुनोगे आप? करोड़ों कह रहा हूं मैंने, अरबों। क्यों? थोड़ा सा हिसाब बता रहा हूं, थोड़ा सा हिसाब। आपको याद होगा पुराने जमाने में एक लड़की से शादी हुई तो ससुर तो होता एक और सास होती थी हजारों। नहीं समझ में आई होगी, एक आदमी की बहुत शादी होती है ना, तो सास कितनी हुई, और फिर उन सब सास से पैदा हुए साले वे कितने हुए? लगाओ हिसाब उस जमाने में। नहीं समझ में आ रही कैसे? मैंने 96,000 ससुर, अरे रुक तो जाओ हिसाब, 96,000 शादी करी उनने लड़कियों से, तो 96,000 के बाप तो एक ही एक हुई है, सास एक, तो 96,000 ससुर, और 96,000 की फिर 1,000 कर लो कम से कम, तो फिर कितनी संख्या भाई? और फिर उनके 10-10 बच्चा करो, ज्यादा नहीं करो, बड़ा गणित। कमाल की बात है, न लैपटॉप की जरूरत न मोबाइल की जरूरत, और जिस नंबर का साला आता उसी को पहचान जाती जी वे हैं, कौन से नंबर की रानी के भैया हैं। कल्पना करो चक्रवर्ती के सामने कोई रिश्तेदार आते होंगे, तुम को हो? ये भूल गए तुम्हारी फला भाई के हम भाई क्या है सगे, ऐसा कहना पड़ेगा, बस देखना पड़ेगा फोटो मैचिंग आधार कार्ड। बताओ इतनी शक्ति मेमोरी की, ये पुण्य प्रकृति है, और हम इससे डरते हैं, हमें कहाँ याद आ रही, हमें कहाँ याद रख रहे, कहाँ तक याद रखें, कहाँ तक विकल्प करें, कहाँ तक जानकारी रखें। प्रभु फिर से सुन लो अच्छी तरह से, तू इधर आड़ ना दे, गुरुदेव की भाषा में ध्रुव ने आड़ ना दे। दो संज्ञा बता दी, आहार भय मैथुन परिग्रह, कहाँ है तुम मिथ्या दृष्टि क्या कर सके? और सम्यक दर्शन होने पर इनका उदय भी बढ़ता है, संज्ञा भी बढ़ती है, लेकिन भेद विज्ञान के बल पर समाधि की तैयारी करता है। आपको भी मैं जानता हूं ये चार ही इफेक्ट परेशान करते हैं, त्यागी व्रति सम्यक दर्शन नहीं ले पाए तो, नहीं ले पाए तो की कह रहा हूं, तो हमेशा इनकी रक्षा करते रहते। अंदर आहार भी लेना है, लेना है, लेकिन ऊपर से नहीं नहीं कच्ची इच्छा नहीं है, रहन दो अब काय परेशान हो रहे, अब तुम नहीं मान रहे तो चलो। ए इतनी काय घुमा के कह रहे? पंडित साहब ने हमें सिखाया बेटे जो आवश्यकता हो सहजता से कहना सीखो, सहज कह दो। अम्मा इनमें हम एक दिन के लिए भी जाए कभी भी पहुंचे, तो एक दिन पहले हमारे पास निमंत्रण आता है भोजन के लिए, गांव में जिनके यहाँ भोजन होगा वो आएगा शाम को, पंडित जी कल हमारे भोजन। अच्छा मैं ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया कोई बात नहीं। फिर वे पूछ रहे पंडित जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? नहीं बढ़िया है, तो क्या बना लें? स्पष्ट पूछेगा वो क्या बना लें, उसका मतलब यह है उड़द नहीं भाती हो, नहीं पछती हो, आपको तकलीफ होती हो, हम उड़द बना लें क्या फायदा? आपकी तबीयत खराब है हम मंगोड़ा बना दें, आपकी तबीयत खराब है,
पूछ के जाएगा तीन बातें। बोले हमें तो बना नहीं है, उड़द नहीं बनाएंगे तो मसूर बना लेंगे, मसूर नहीं बनाएंगे तो अरहर बना लेंगे, अरहर नहीं तो मूंग बना देंगे, कच्चू बना देंगे, हमें तो बन नहीं सब्जी, हमें बन नहीं है। अब आपने कहा हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम नारियल की चटनी बना लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपकी आंखें देख गए खटाई है तो खटाई नहीं बनाएंगे, इमली की नहीं बनाएंगे, और आप बिल्कुल तंदुरुस्त तो बढ़िया तो कल बढ़िया पकौड़ा बना देंगे, दही बड़ा बना देंगे, दही नहीं मतलब जो तुम समझाते हो खटाई बना देंगे भाग से। समझ में आ गया आपको? कोई पंडित साहब ने सिखाया और ये परंपरा खड़ी की। सब लोग विद्वान लोग बहुत परेशान होते हैं, भोजन तो करने चले जाते हैं लेकिन वहां जाके देखो ये दाल बावला, और रात भर सोए नहीं थे, रेलगाड़ी में हैरान परेशान थे, उनने तो शॉर्टकट तो बढ़िया बढ़िया फट 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 दाल बाटी चूरमा सूरमा खाए, अब वे बेचारे खा ही नहीं पा रहे। पंडित साहब ने कहा नहीं सहजता से अपनी बात बता दो भैया, इतना बनेंगे इतना लेंगे बस खत्म। लेकिन हम क्या करेंगे, तुम भी आहार संज्ञा में तुम अच्छो दिखाने से अनंतानुबंधी मान, और हम छिप छिप के खान चाह रहे, मैंने बता नहीं रहा डॉक्टर के कि लोग का सोचेंगे, लोग का सोचेंगे, लोग का सोचेंगे, हम बता नहीं रहे, तुझे अनंतानुबंधी माया चाहे। आप फिर से कहता हूं, चार संज्ञाओं की रक्षा के चक्कर में तुमने मिथ्यात की रक्षा करी। चलूं आगे, अब चलूं मोक्ष मार्ग की बात बता दूं थोड़ी सी इसी में। मैंने बहुत बड़ा कदम रखा है आज, और अभी ये चार संज्ञाएं रुकी नहीं है, मैं आपको इसी पर आज होमवर्क चालू होगा, इसी पर ही आपको समाधि का अगला महल खड़ा होगा। यदि सम्यक दर्शन की नींव नहीं है तो समाधि के स्वप्न में भी कल्पना मत करना। नमोकार मन सुनने से, गाथा सुनने से, भक्तामृत सुनने से समोसरण ओ क्या समाधि नहीं होती। इस चर्चा में कल परसों में समझा चुका हूं। अब तीन शब्द हैं जिसकी चर्चा आगे करूंगा आने वाले समय में, लेकिन समझदारों के लिए अभी बता देता हूं। बिल्कुल तीन शब्द हमारी जिनवाणी में आए हैं, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। बोलो जरा, प्रतिक्रमण, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया शाबाश। ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं शॉर्टकट पढ़ा रहा हूं, पूरे जीवन का निचोड़ को एक एक वाक्य में बांध रहा हूं। जैन समाज इन तीनों नाम पर क्रियाओं से तो परिचित है लेकिन असलियत से परिचित नहीं। क्या बोला मैंने? जैन समाज इनके नाम पर क्रियाएं, आलोचना पाठ पढ़ लिया निपट गया आलोचना, प्रतिक्रमण का पाठ लिखा हुआ है वो पढ़ लिया रट लिया सीख लिया निपट गया, और प्रत्याख्यान तो बहुत ही बढ़िया है बस अब हमारी चौबियार पचखंड निपट गया शॉर्टकट। जरा ध्यान से सुनना, मैं जिनवाणी का हार्द आपको समय साजी का हार्द बता रहा हूं। प्रतिक्रमण का मतलब होता है चार संज्ञाओं से मैंने पहले प्रभावित देखा था, ओ हो ये तो मेरी भूल हो गई, ये भूल मिटने का नाम प्रतिक्रमण। मैं तो अप्रभावी था, मैं तो सुरक्षित था, मैं तो गायक था, इसका नाम प्रतिक्रमण है। इससे पहले प्रतिक्रमण चालू नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। आप लाख कह दो कल मेरी से गलती हुई, परसों मेरे से गलती हुई, पिछले जन्म में गलती हुई, अनंत जन्मों में गलती हुई, हट, इस प्रतिको इसको प्रतिक्रमण नहीं कहते। प्रतिक्रमण काय का नाम है भैया? चार संज्ञाओं से अप्रभावी था, मुझे खबर नहीं थी, आज मुझे मालूम पड़ गया कि मैं तो पहले भी प्रभु था, सुरक्षित था, अप्रभावी था, इसका नाम प्रतिक्रमण। आलोचना किसका नाम? वर्तमान की चार संज्ञाएं, वर्तमान की चार संज्ञाओं से भिन्न अप्रभावी देखना ये आलोचना है, और चार संज्ञाओं से मैं भविष्य में भी प्रभावित नहीं देखूंगा, इसका नाम पचखंड है। जल्दी जल्दी बोल दिया, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आज दिन भर आपको, दिन भर आप आपको अनैतिकता का पाप लगेगा यदि इसके अलावा दूसरी चर्चा की तो। आप समाधि शिविर के साथ अन्याय करोगे यदि इसको छोड़ करके अन्य कुछ पढ़ोगे, चर्चा करोगे, वार्ता करोगे, कुछ करोगे। आज हमने आपको गाइडलाइन इशारा दिया हुआ है, आज ही सम्यक लो। फिर बता रहा हूँ, जितने लोग इस शिविर में शामिल हैं अपने दिनचर्या शॉर्टकट निपटाइए,
चार चार छः छः लोग बैठ करके इन पर चर्चा करिए। सोनगढ़ में गुरुदेव के एक प्रवचन होने के बाद कोई कमरा ऐसा नहीं होता था, कोई सड़क ऐसी नहीं होती थी, भोजनशाला तक ऐसी नहीं होती थी जहाँ लोग गुरुदेव के सुने हुए प्रवचन पर चर्चा नहीं करते थे। खूब चर्चा होती थी। आज वही हम चाहते हैं।